नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है चैनल अहमदाबाद वेजिटेबल मार्केट यूट्यूब चैनल पर। तारीख हुई है आज 8 नवंबर 2024। देखते हैं अहमदाबाद की होलसेल सब्जी मंडी में सब्जियों में क्या कुछ बाजार चल रहा है। ये मंडी है जमालपुर सब्जी मंडी है, ये होलसेल मंडी है। चले जानते हैं सब्जियों के भाव में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला, कल के मुकाबले क्या चल रहा है। मिर्ची है देखे, सितारा मिर्ची 45-50 रुपए तक का बाजार देखने को मिला। सितारा वीवीआईपी माल हो तो सुपर माल में 45-50 रुपए प्रति किलो। बाकी जो काठियावाड़ वाली मिर्ची आती है, दिखाता हूँ मैं आपको आगे, उसमें बाज़ार गया है 25 से 30 रुपए किलो तक का बाज़ार देखने को मिला काठियावाड़ वाली मिर्ची में। सानिया आती है और कई दो तीन प्रकार की आती है, 25 से 30 रुपए प्रति किलो। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा माल आता है क्या होता है। देखिए पिगाड़ और मिर्ची है काठियावाड़ वाली, इसमें बाज़ार गया है 35 रुपए से लेकर 25 तक का बाज़ार है। जैसा माल सुपर माल हो तो 35-38 रुपए तक का बाज़ार है, बाकी नीचे जैसी क्वालिटी। और वटवाणी मिर्ची है डुप्लीकेट 15-20 रुपए किलो, ऐसा कुछ बाज़ार देखने को मिला डुप्लीकेट G4। और चौली है देखिए काठियावाड़ वाली चौली 80-90 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला, 80-90 रुपए प्रति किलो। और तुअर है देखिए काठियावाड़ की, बाजार जा रहा है इसमें 80 रुपए प्रति किलो। सुपर माल में रात को 80 रुपए किलो तक का बाजार जा रहा था और दिन में अभी भी जा रहा है 55-60 रुपए किलो। देखिए शिमला मिर्ची है, शिमला मिर्ची अभी एमपी से आ रही है और ये यूपी की शिमला मिर्ची है, ये बिक्री है 45-50 रुपए किलो। और जो एमपी की आ रही है सुपर माल वो 50 रुपए किलो तक बिक रही है सुपर माल। एमपी का माल वीआईपी माल 50 तक बिक रहा है। और पिकाडोर मिर्ची है ये यूपी की, 35 रुपए किलो तक बिक रही है ये यूपी की पिकाडोर मिर्ची। पिकाडोर मिर्ची है राजस्थान से आ रही है बोरी वाला, 30-35 रुपए किलो तक हो रहा है। और देखिए मटर है, ये पंजाब के मटर है, बाजार जा रहा है इसमें 100-120 रुपए प्रति किलो तक का बाजार देखने को मिला। पंजाब के मटर है ये, तो देखिए। और एमपी के मटर भी आने चालू हो गई है, 80-100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है एमपी का मटर। ये पंजाब के है, देखिए एमपी के दिखाता हूँ मैं आपको। ये एमपी का मटर है। देखिए कलकत्ती परवर में 25-30 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला, 25-30 रुपए किलो। और देसी परवल है देखिए, देसी परवल में 35 रुपए से लेकर 38 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला, 38-40। रात को बाजार अच्छे माल का 40 रुपए प्रति किलो तक का था। प्याज है देखिए, हरा प्याज ये ठीका ठीक माल है, 15 रुपए किलो तक बिक रहा है अच्छे माल में काठियावाड़ वाला, 20-22 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला। बाकी पुष्कर से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, डीसा से आ रहा है, उसका भाव भी मैं बताता हूँ आपको आगे। प्याज है देखिए, ये पुष्कर वाली प्याज है राजस्थान वाली, बाजार इसमें जा रहा है 30-35-36 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला सुपर माल। सुपर माल हो तो 35-36 रुपए प्रति किलो। देखिए खुला है मैं आपको वो दिखाता हूँ, सुपर माल आता है एकदम वीवीआईपी, देखो। देखिए डीसा का प्याज है, ये
बाजार इसमें गया है 25 से लेकर 30 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला। डीसा का ब्याज धीरे धीरे मूली है, ये राजस्थान वाली मूली है, 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। धनिया है, देखिए धनिया में राजस्थान चल रहा है, अभी बाजार जा रहा है इसमें 25-30 रुपए किलो। पालक है, पालक में 15-20 रुपए प्रति किलो तक का बाजार देखने को मिला। ये कुछ 60 किलो का पैकिंग आता है देखिए, इस प्रकार का 15 से 20 रुपए प्रति किलो। पिकाडोर मिर्ची है, देखिए बाजार जा रहा है इसमें 60-65 रुपए तक का बाजार देखने को मिला। अच्छा माल हो तो देखिए, खैरगाम साइड की पीली हल्दी है, बाजार इसमें जा रहा है ऊपर 45-40 रुपए से लेकर नीचे 30-35 रुपए किलो जैसा माल। और आंबा हल्दी है, देखिए 80 रुपए किलो, नीचे 70 रुपए किलो तक, ऊपर 80-85 रुपए जैसी क्वालिटी। सुपर में 90 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला है आंबा हल्दी। और गिलोड़ा है, देखिए 40-45 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला, 40 से 45 रुपए प्रति किलो। और सूरण है, देखिए 45-50 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला सूरण में। और देखिए खीरा है खैरगाम साइड का, जो व्हाइट खीरा आता है वो 18-20 रुपए किलो तक बिक रहा है। अरबी है, देखिए 45-46 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला अरबी में। अच्छा माल 45-46 रुपए प्रति किलो, एमपी की अरबी। और शकरकंद है, देखिए शकरकंद देसी माल है 40 रुपए किलो, सुपर माल है ये, लोकल माल 40 रुपए प्रति किलो तक बाजार दिखा इसमें। और देखिए बीट है, बीट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सुपर माल में 1100-1200 की पन्नी हो रही है, मतलब कि 60 रुपए प्रति किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है। क्या है कि माल एमपी में भी बहुत कम है शॉर्टेज, उस वजह से ऐसी तेजी देखने को मिल रही है बीट में। देखे ये बॉम्बे से आ रहा है तोतापुरी आम, 60 रुपए किलो तक बिक रहा है, 60 रुपए प्रति किलो, 60 रुपए प्रति किलो। देखे नीचे 10 रुपए किलो बिक रहा है, और ऊपर सुपर माल हो तो 40 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है सुपर माल हो तो। बाकी नींबू है, नींबू में नीचे 40 रुपए से लेकर ऊपर 80 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है, ऊपर 80 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है नींबू में। केला है, देखिए 12 से 14 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला है कच्चा केला, सुपर माल हो तो बाजार देखने को मिला है 12 से 14 रुपए किलो। अदरक है, ये बेंगलोर का नया वाला, सुपर माल में 45 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला, ऊपर 45 रुपए प्रति किलो। और जी फोर मिर्ची है 30-35 रुपए तक का बाजार देखने को मिला जी फोर मिर्ची। भुट्टा है, देखिए स्वीट कॉर्न अच्छे माल में 18 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला, अभी लोकल माल आ रहा है, सब बाहर गाँव का सब बंद है, सब लोकल माल ही चालू है अभी। देखिए देसी ककड़ी है, सुपर माल 35 रुपए किलो तक बिक रही है देसी ककड़ी, बाकी नीचे 10-8 रुपए जैसी क्वालिटी। तो मैं आपको बताता हूँ कि सुपर माल कैसा होता है, देखिए जो जितनी पतली उतना सुपर माल, और ये 2 नंबर माल। देखिए करेला है, करेले में बाजार गया है 25 रुपए तक बिक रहे हैं ये करेला, बाकी वी वी आई पी माल होता है जो सुपर एकदम ग्रीन,
वो 30-35 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है करेला। और बैंगन है देखिए, हरा बैंगन नीचे 10 रुपए से लेकर 20-25 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है, जैसी क्वालिटी। और भट्टा जो आ रहा है, भट्टा भी दो नंबर पड़ा है, 10 रुपए किलो। बाकी अच्छे माल में ऊपर 20 रुपए 25 तक का बाजार जाता है, जो नया फाल का सुपर माल आता है वो 20-25 रुपए किलो। और जो लंबे रिंगन आते हैं, लंबे रिंगन इसमें 20 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है। और देखिए भिंडी है, भिंडी में 50 रुपए ऊपर में सुपर माल देसी भिंडी, और नीचे 40। फिर जो काठियावाड़ आता है वो बिकता है 20-25 रुपए किलो तक, क्योंकि वो माल अभी ख़त्म होने की कगार पर है। इसमें कुछ कुछ माल ही सुपर आता है जो 50-55 तक बिकता है, बाकी 40-45 रुपए ज़्यादातर बिकता है देसी भिंडी में भी। देसी गवार है, अच्छा माल 80 रुपए किलो तक का बाजार जा रहा है, 70-80 रुपए 85 रुपए तक का बाजार जा रहा है, सब देसी माल आ रहा है अभी, लोकल माल देसी। कोला है देखिए, कद्दू 15-16 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिल रहा है। ये देखिए लौकी, वैसे नीचे दो नंबर 6 रुपए से लेकर ऊपर सुपर माल 16-18-20 तक जा रहा है, जो देसी मांडवा आता है वो 18-20 रुपए तक बिक रही है, बाकी ये सब मार 15-16 रुपए किलो। भट्टा है, एक काले भट्टे आते हैं, बड़ी साइज़ आती है इनकी, जो है महाराष्ट्र से आते हैं उस टाइप के आते हैं, इसमें बाजार गया 25-30 रुपए किलो। टमाटर है, टमाटर में पोजीशन हुई है नीचे 25-28 से लेकर ऊपर 32 रुपए, और सुपर क्वालिटी 35 रुपए तक का बाजार देखने को मिला, 35 रुपए प्रति किलो, और महाराष्ट्र का माल आ रहा है सब अभी। देखिए फिर जैसी क्वालिटी उस हिसाब से बाजार देखने को मिला। गोभी है, गोभी में कैसा है कि लोकल माल है, 22-25-26 रुपए किलो तक का बाजार देखने को मिला है। और देखिए इस प्रकार का कुछ माल है, और जो बॉम्बे आता है, महाराष्ट्र आता है, ये 25 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, ये गोभी 25 रुपए प्रति किलो। ये फ्लावर है राजस्थान वाला, 30-35 रुपए प्रति किलो तक का बाजार है, कटिंग वाला माल आता है बॉक्स वाला, 30-35 रुपए प्रति किलो। फूल गोभी है, फ्लावर, ये नासिक वाली पल्ली है, बाजार इसमें जा रहा है 25 रुपए किलो। और नीचे जैसी क्वालिटी उस हिसाब से बाजार देखने को मिल रहा है नीचे। देखिए खीरा है, खीरा है, इसमें बाजार हुआ है 400 से लेकर 500 की पन्नी बिक रही है, जैसा माल जैसी क्वालिटी,